फ्रेंड्स, यू आर वेरी मोस्ट वेलकम ऑन यूनिक स्टडी विद अजय। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैं नेट जरा फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस चला रखा हूँ। ये बिल्कुल एक रियल में आपको ये एक बुलेटिन है जिसको आप पढ़ सकते हो। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन वो मैं सारी सारी दे रखा हूँ। तो हम प्रेजेंट टाइम में कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? कंप्यूटर। कंप्यूटर में हम जिसको जो फर्स्ट पेपर है नेट जेआरएफ का, उसमें आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इसके हम टोटल 8 चैप्टर पहले करवा चुके हैं, 7 चैप्टर। चैप्टर आठवा अब हम आपको पढ़ाएंगे। जो चैप्टर 7 था उसमें हम पढ़ा रहे थे सॉफ्टवेयर के बारे में। सबसे पहले मैंने वहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था, सॉफ्टवेयर क्या होता है। फिर उसके बाद में सॉफ्टवेयर के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जिसमें जो सिस्टम सॉफ्टवेयर था उसका जिक्र हमने जो चैप्टर 7 था उसमें कर लिया, बिल्कुल डिटेल से विद अच्छी तरीके से। अब हम जो 2 सॉफ्टवेयर बचे हुए, एक है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, दूसरा है कौन सा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम जो दूसरा सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है। देखो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो सिस्टम सॉफ्टवेयर था वो कंप्यूटर के सिस्टम को नियंत्रित करता था, जो कंप्यूटर के जो सिस्टम था उसका अनुरक्षण करता था। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो हमारे किसी विशेष कार्य को करने के लिए या हमारे वास्तविक कार्य को करने के लिए लिखे जाते हैं या तैयार किए जाते हैं। कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं कर लेते, यार मैं एक एप्लीकेशन डलवा के लेके आऊँगा मेरे फ़ोन में या मेरे लैपटॉप में, ये एक एप्लीकेशन डलवा के लेके आऊँगा जिससे मैं अपना वो काम कंप्लीट करूँगा। हम बहुत सारी बार यूज लेते रहते हैं कि मैं मेरे लैपी में एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डलवाऊँगा जिससे मैं ये अपना काम कंप्लीट करूँगा। कोई भी एनी काम हो सकता है, उसको कंप्लीट करने के लिए अपन क्या करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डलवाने की बात करते हैं। तो ये था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा हमारे वास्तविक कार्यों को पूरा करना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा हमारे वास्तविक कार्यों को पूरा किया जाता है। क्या किया जाता है? हमारे जो भी वास्तविक कार्य है उनको कंप्लीट करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। अब देखो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है वो मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, उससे आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। जैसे पहला होता है कार्यालय में कर्मचारियों के वेतन की गणना। कि कार्यालयों में कर्मचारियों के वेतन की गणना करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। सभी लेन देन का हिसाब किताब रखने के लिए। जो भी सभी लेन देन होते हैं उन सभी लेन देनों का हिसाब किताब रखने के लिए भी क्या करते हैं, हम जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसका यूज करते हैं। विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट प्रिंट करने के लिए। विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट प्रिंट करने के लिए हम किसका यूज लेते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का लेते हैं। दोबारा बताता हूँ, देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम 3 जगह स्पेशली जो एग्जाम्पल हैं उनके मैं 3 एक ऐसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ जिनका हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में यूज लेते हैं। जैसे कार्यालयों में कर्मचारी को वेतन करना, कि जब कोई भी ऑफिस है उसमें 50 आदमी काम कर रहे हैं तो उन सभी का कि उनका मंथ कब कंप्लीट हो रहा है, उनकी सैलरी कितनी है, किसकी कितनी सैलरी है, ओवरऑल कितनी सैलरी दर है, इन सब की गणना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा की जाती है। सभी लेन देन का हिसाब किताब रखने के लिए। जैसे मैंने आपसे 500 रुपये लिया, फिर आपने किसी से 200 रुपये लिया, मैंने किसी को 1000 रुपये दिया, मतलब जो अपना जो भी लेन देन का हिसाब किताब रहता है उसको करने के लिए भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं।
विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट प्रिंट करने के लिए, विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट लिखने के लिए, क्या करने के लिए, विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट लिखने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। अब देखो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो दो प्रकार का होता है। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो दो प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर, एक तो होता है सामान्य उद्देश्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सॉरी, सबसे पहला होता है सामान्य उद्देश्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखो नाम से पता चल रहा है सामान्य उद्देश्य, कि हमारे जो भी सामान्य उद्देश्य हैं उन सभी को पूरा करने के लिए जिन सॉफ्टवेयर्स का यूज किया जाता है, जिन सॉफ्टवेयर्स का प्रयोग किया जाता है, उनको क्या बोलते हैं, सामान्य उद्देश्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो नाम से ही पता चल रहा है सामान्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, क्या करने के लिए, सामान्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सामान्य उद्देश्य क्या होता है, मोस्टली वो काम जो सभी के काम आते हैं, जैसे वो काम मेरा भी है, आपका भी है, आपका भी है, मतलब जो काम नॉर्मली सभी का होता है वो होता है सामान्य उद्देश्य। और विशेष उद्देश्य क्या होता है, विशेष उद्देश्य क्या होता है कि वो केवल आपका है, वो जरूरी नहीं है कि उसका काम मैं भी लूँ, वो काम मेरे पास भी हो, ऐसी कोई भी जरूरी या फिर कंडीशन नहीं है। तो सामान्य उद्देश्य का मतलब होता है कि जो हमारे जो भी नॉर्मल या सामान्य जो भी उद्देश्य होते हैं उनको पूरा करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है उसको सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसके एग्जांपल, जो सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर है उसके एग्जांपल जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा अकाउंटिंग पैकेज है। इसके अलावा डेस्कटॉप पब्लिशिंग है। इसके अलावा ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर और CAD सॉफ्टवेयर। कौन सा, CAD सॉफ्टवेयर। तो ये थे कुछ सामान्य उद्देश्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल, जिनको हम नॉर्मली सामान्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए यूज लेते हैं, जिसमें पहला है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। कौन सा है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। दूसरा है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तीसरा है डाटाबेस सॉफ्टवेयर। चौथा है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। पाँचवा है अकाउंटिंग पैकेज। छठा है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। सातवा है ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर और आठवा है CAD सॉफ्टवेयर। इन सॉफ्टवेयर को आपको याद करना है, एग्जाम में पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल है या कौन सा सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसलिए आपको ये मोस्ट कुछ सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर है उनको याद करना है, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग पैकेज है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग है, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है और CAD सॉफ्टवेयर है, इनको आपको याद करना है। तो ये होता है हमारा पहला सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पर, जो नेक्स्ट है वो कौन सा है, विशेष उद्देश्य
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कौन सा है? विशेष उद्देश्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखो जो विशेष उद्देश्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसके द्वारा क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, तो वो सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य और विशेष उद्देश्य, इन दोनों को कंपेयर करो। सामान्य उद्देश्य हमारे जो जनरल पर्पज होता है, जो सामान्य उद्देश्य होता है वो होता है, और जो विशेष उद्देश्य होता है उसमें ये होता है कि जो हमारा स्पेशल है, क्या है हमारा स्पेशल है, जो हमारा स्पेशल उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए हम जिन सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विशेष उद्देश्य सॉफ्टवेयर बोलते हैं। विशेष उद्देश्य की पूर्ति पूर्ति के लिए जिन सॉफ्टवेयर वेयर का प्रयोग किया जाता है, कि विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जिन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है उन्हें विशेष उद्देश्य सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जो ये सॉफ्टवेयर होता है इनका केवल एक ही उद्देश्य होता है। जो विशेष उद्देश्य सॉफ्टवेयर होते हैं उनका केवल एक ही उद्देश्य होता है, जबकि जो सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर होते हैं इनका अनेक अनेक उद्देश्य होता है। क्या होता है, इनका अनेक उद्देश्य होता है, इनके द्वारा अनेक प्रकार के कार्य कंप्लीट किए जाते हैं, जबकि जो विशेष उद्देश्य सॉफ्टवेयर होता है उनके द्वारा केवल वही काम किया जाता है जिसके लिए वो डिजाइन किया गया है। दोबारा समझना, सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर के द्वारा विभिन्न प्रकार के काम करवाए जाते हैं, क्या किए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के काम करवाए जाते हैं, जबकि जो विशेष सॉफ्टवेयर उद्देश्य है उसके द्वारा केवल वही काम करवाया जाता है जिस काम के लिए वो डिजाइन किया गया है। उसके बाद इसके एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल है रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर। तो रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर है, उसके बाद आता है होटल मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। क्या है, होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, और इसके बाद आता है पेरोल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, पेरोल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, कौन सा है, पेरोल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो ये थे कुछ तीन जो विशेष सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं, विशेष उद्देश्य सॉफ्टवेयर की, जिसमें सबसे पहला होता है रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, और तीसरा होता है पेरोल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो ये सामान्य उद्देश्य और विशेष उद्देश्य दोनों के एग्जाम्पल आपको याद करने हैं, दोनों के कार्य आपको समझ में आ गए होंगे, नाम से सामान्य उद्देश्य और विशेष उद्देश्य नाम से ही समझ में आ गए होंगे, लेकिन इनके जो एग्जाम्पल है वो आपको याद करने पड़ेंगे। इनमें भी आप चाहो तो थोड़ा कंपेयर करके थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे तो अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे बिना कंफ्यूज हुए, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, सामान्य उद्देश्य में खातों का लेन देन का हिसाब हो रहा है, इसके साथ साथ ही जैसे और भी बहुत सारे ऐसे जैसे कार्य, कोई भी ऑफिस है कार्यालय, वहाँ पर कितने कर्मचारी हैं उनका वेतन का हिसाब हो रहा है, सामान्य हिसाब किताब का लेन देन का हिसाब हो रहा है, तो ऐसे काम हो रहा है, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई एक विशेष काम हो रहा है, कोई स्पेशल पर्पज है इसका, तो इसके जो एग्जाम्पल है वो आपको याद करने पड़ेंगे। उसके बाद जो तीसरा सॉफ्टवेयर है वो बचा हुआ है, वो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, कौन सा है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जिसके बारे में भी हम आप डिस्कस करेंगे। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर तीसरा है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, कौन सा है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। देखो जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है इसको सर्विस प्रोग्रामर के नाम से जाना जाता है। देखो यूटिलिटी क्या होता है, मतलब यूटिलिटी को जैसे एक, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, थोड़ा एग्जांपल सही नहीं है लेकिन जैसे हम एक नॉर्मल यूज लेते हैं, यूटिलिटी कॉम्प्लेक्स, यूटिलिटी कॉम्प्लेक्स,
वहाँ पर हम अपना जो जनरल जो भी काम होता है वो करते हैं। यूटिलिटी कॉम्प्लेक्स जिसको हम शौचालय बोलते हैं वो होता है, तो वहाँ पर क्या करते हैं हम सब अपना जो भी काम है वो कंप्लीट करके आते हैं। बिल्कुल, जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो क्या है, वो एक सर्विस प्रोग्रामर के नाम से जाना जाता है। जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो सर्विस प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो सर्विस प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सर्विस प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो एक प्रकार का क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। यह है विशेष रूप से कंप्यूटर हार्डवेयर। यह विशेष रूप से कंप्यूटर हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कि यह विशेष रूप से कंप्यूटर हार्डवेयर एवं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को व्यवस्थित करने में सहायता हेतु। यह विशेष रूप से कंप्यूटर हार्डवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को व्यवस्थित करने हेतु डिजाइन किया गया है। जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो विशेष रूप से कंप्यूटर के हार्डवेयर है जितने भी उनको और ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को व्यवस्थित करने के लिए डिजाइन किया गया है। कि जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो स्पेशली रूप से क्या जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो स्पेशली रूप से कंप्यूटर के हार्डवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम, इन तीनों को व्यवस्थित करने के लिए डिजाइन किया गया है। क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को व्यवस्थित करने के लिए डिजाइन किया गया है, वो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का अनुरक्षण कर कि जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर का अनुरक्षण कर उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाता है। कि जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर का अनुरक्षण करता है, क्या करता है, कंप्यूटर का अनुरक्षण करता है, कंप्यूटर की सुरक्षा करता है, साथ ही साथ कंप्यूटर का अनुरक्षण कर और उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाता है। जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर का अनुरक्षण करता है और फिर साथ ही साथ उसकी क्या करता है, जो उसकी जो कार्य क्षमता है उसको बढ़ाता है, जो उसकी वर्किंग प्रोसेस है उसको बढ़ाता है। यह कंप्यूटर को कार्यशील बनाने में सहायता करता है। कि जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर को कार्यशील बनाने में सहायता करता है। कि जब कंप्यूटर का अनुरक्षण हो जाएगा सही ढंग से, उसकी सिक्योरिटी हो जाएगी और उसकी जो काम करने की जो कैपेसिटी है, जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो बढ़ जाएगी, तो उससे क्या होगा, जो कंप्यूटर है वो स्वतः ही कार्यशील हो जाएगा। आप दोबारा बताए एक बार सोचना, इससे दो पॉइंट याद होंगे आपके। सबसे पहला कि जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का अनुरक्षण कर रहा है, उसको सुरक्षा प्रदान कर रहा है, साथ ही साथ उसकी जो वर्किंग प्रोसेस है, जो उसकी वर्किंग प्रोसेस है उसको बढ़ा रहा है। जब कंप्यूटर को अनुरक्षण भी मिलेगा, उसकी वर्किंग प्रोसेस भी बढ़ेगी, तो कंप्यूटर स्वतः ही क्या हो जाएगा, कार्यशील हो जाएगा, बिल्कुल एक्टिव हो जाएगा। तो जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर को कार्यशील बनाने में सहायता करता है। यह है
ऊपर लिख लेते हैं, ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। यह कंप्यूटर के कार्यों को, यह कंप्यूटर के कार्यों को सरल कि यह कंप्यूटर के कार्यों को सरल बनाने एवं अशुद्धियों को दूर करने तथा कंप्यूटर के विभिन्न सुरक्षा कार्यों के लिए तैयार किया गया। कि जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ रहे हैं कि जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है यह कंप्यूटर के कार्यों को सरल बनाता है, जो कंप्यूटर का कार्य है उन सभी कार्यों को सरल बनाता है एवं अशुद्धियों को दूर करता है। क्या करता है? कंप्यूटर के कार्यों को सरल बनाता है, उसकी जो भी अशुद्धि है उन अशुद्धियों को दूर करता है तथा कंप्यूटर के विभिन्न सुरक्षा कार्यों के लिए तैयार किया गया है। कंप्यूटर के जो विभिन्न प्रकार के सुरक्षा कार्य हैं उन सभी को करने के लिए तैयार किया गया है। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल लिखते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है। सबसे पहला इसका डिस्क फॉर्मेटिंग, पहला है डिस्क फॉर्मेटिंग, दूसरा है डिस्क क्लीनअप, उसके बाद है बैकअप प्रोग्राम, क्या है बैकअप प्रोग्राम है, उसके बाद एंटीवायरस यूटिलिटी है, उसके बाद डिस्क फ्रैगमेंटर है, डिस्क कंप्रेशन है, डिस्क फ्रैगमेंटर है, एंटीवायरस यूटिलिटी है और टेक्स्टर एडिटर है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हैं जिसमें पहला है डिस्क फॉर्मेटिंग, क्या है डिस्क फॉर्मेटिंग है, दूसरा डिस्क क्लीनअप है, बैकअप प्रोग्राम है, एंटीवायरस यूटिलिटी है, डिस्क फ्रैगमेंटर है, डिस्क कंप्रेशन है और टेक्स्टर एडिटर है। तो ये था यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में। इसके साथ हमारा जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है ये दोनों बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं। चैप्टर 7 आप ज़रूर देखना, उसमें मैंने जो सिस्टम सॉफ्टवेयर था वो पढ़ा रखा है। इसके अलावा ये जो तीनों सॉफ्टवेयर हैं इसके मैं अलग से चैप्टर वाइज क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रखा हूँ। टोटल 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के मैं वीडियो बना चुका हूँ प्रेजेंट टाइम तक, तो आप मेरे सभी उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के वीडियोज़ को ज़रूर देखो। क्या उससे क्या होगा कि आपका एक तरीके से तो रिविजन हो जाएगा, पहले आप इनको देखोगे फिर उनको देखोगे तो एक तरीके से तो आपका रिविजन हो जाएगा। दूसरा वो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही तरीके से डिजाइन किए हुए हैं तो आपका पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस लेवल से उठता है, कि क्वेश्चन किस लेवल से उठता है और क्वेश्चन कहाँ से उठता है, और हो सकता है वो एक क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में पूछ ले, बिल्कुल हो सकता है, 100% पॉसिबिलिटी है कि वो क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से आप मेरा ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव दोनों देखो, समझ में आया हुई वीडियो तो इसको लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाओ जिससे कि आप एक भी वीडियो मिस ना कर पाओ। इसके साथ साथ यदि आप जून 2020 में JEE निकालना चाहते हो, अपना 70% प्लस स्कोर करना चाहते हो, कितना 70% प्लस, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप है 7891350470, इस नंबर का एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें आप ऐड हो सकते हो।
7891350470 ये एक व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है जिसमें आप ऐड हो सकते हो और अपने जितना भी एक अच्छा ही प्रिपरेशन कर सकते हो। तो थैंक्स देखने के लिए दोस्तों।